मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि हमने थर्ड स्टैंडर्ड के हिंदी का सीरीज चालू किया है, तो आज हिंदी के सीरीज का अगला चैप्टर चालू करेंगे जो है 21वां चैप्टर, भारतीय महीना, इंडियन मंथ्स। ऑलराइट? यस। आपको अगर समझ में आया? यस। ठीक है, भारतीय वर्ष के 12 महीने होते हैं, भारतीय वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, यस। देखते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जाना था कि अंग्रेजी महीने, इंग्लिश मंथ, अब जानेंगे इंडियन मंथ्स। ऑलराइट? यस। चलो, पहला क्या होता है, देखो, चैत्र, उसको और भी बोलते हैं चैत्र। ठीक है, yes। सेकंड होता है बैसाख। ठीक है, yes। थर्ड होता है ज्येष्ठ। ठीक है, yes। इस सबको आप इंग्लिश महीने से भी रिलेट कर सकते हैं, राइट? yes। जैसा चैत जनवरी में, बैसाख फरवरी में, ज्येष्ठ मार्च में, आषाढ़ अप्रैल में, श्रावण महीना मई में, भाद्रपद भादो जून में। ठीक है, कुवार कौन से महीने में आता है, जुलाई में। ठीक है, अश्विन, करेक्ट? यस। yes। बाद में आता है कार्तिक जो है अगस्त में। ठीक है, बाद में माघशीष आता है, है ना? यस। yes। अगहन जो है सितंबर में, बाद में पौष, ठीक है, yes, जो आता है अक्टूबर में, बाद में माघ आता है नवंबर में, बाद में फागुन आता है दिसंबर में। ठीक है, yes। अब इसको रिलेट वैसा कर सकते हैं। ठीक है, yes। चलो आगे बढ़ते हैं। yes। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक दो शब्द में उत्तर लिखो। अब ये हमारे जितने भी, तो इसमें क्या है, जितने भी हमारे भारतीय त्यौहार हैं उनको जानते हैं, कौन से महीने में आते हैं। ठीक है, चलो, आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि ये सब, मूवीज़ में भी सुना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा होली होता है जो कहाँ आता है, फागुन महीने में, राइट? यस। तो वो हिसाब से समझते हैं, भारतीय वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र, राइट? यस। भारतीय वर्ष का आखिरी महीना कौन सा होता है, फागुन। दीपावली किस महीने में आता है, भाद्रपद अश्विन। ठीक है, यस। ये आपको स्पेलिंग बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, नहीं अगर हिंदी लिखने आए तो प्रैक्टिस जरूर करना, नहीं तो फिर एक भी अगर गलत होगा तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, यस। जैसे आप इंग्लिश अच्छी तरीके से लिखते हो वैसे हिंदी भी आपको अच्छी तरीके से लिखने आना चाहिए, और मराठी भी। ठीक है, यस। फोर्थ वन इज होली किस महीने में आता है, फागुन। आपने गाने वाने में देखा भी होगा कि वहाँ पे वो लोग जिक्र करते हैं फागुन करके। ठीक है, यस। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, राइट? यस। तो ये कहीं ना कहीं इंग्लिश और इंडियन मंथ थोड़ा अलग ही है, ठीक है, समझने में। ठीक है, वो आप वैसा तो समझो। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड, भारतीय महीनों के नाम क्रम में लिखो। ठीक है, yes। जैसा हमने वहाँ पढ़ा था 12 तक के, अब यहाँ पे उसको चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, yes। इतना समझ में आ गया? yes। चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर। bye bye। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।